संग्राम। हे नागेश्वर हे सोमेश्वर, अरे हे देव घर के बाबा, तोहरे कृपा बाटे सिर पर हो, बाकिर हमरा में काबा। अरे मस्त मलंगा जटा में गंगा, बम 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 कैलासी, देवघर में गंगा जल बरसे, बम बम बोले काशी 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 काशी। तीनों में तीनों में तीनों लोकल में नंबर वन बाबा धान बानी, तीनों लोकल में नंबर वन बाबा धान बानी। मस्त मलंगा जटा में गंगा, बम 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 कैलासी, देवघर में गंगा जल बरसे, बम बम बोले काशी 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 काशी। तीनों में तीनों में तीनों लोकल में नंबर वन बाबा धानवानी, तीनों लोकल में नंबर वन बाबा धानवानी। ऋषि मुनि सब ध्यान धरे ले, जोगी जोग रमावे ले, ब्रह्मा विष्णु संकट में भी तोहरे के घोरावे ले। ऋषि मुनि सब ध्यान धरे ले, जोगी जोग धरावे ले, ब्रह्मा विष्णु संकट में ता तोहरे के घोरावे। हर तोहरा के जल भर के होले जाले जोगवा धर के, तुह भरा गंगा जल अपने कलसा में हो भर के भर के भर के। अरे देले आशीष दाना दान बाबा दान वानी, देले आशीष दाना दान बाबा दान। हर मस्त मलंगा जटा में गंगा, बम 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 कैलासी, देवघर में गंगा जल बरसे, बम बम बोले काशी काशी काशी। तीनों में तीनों में तीनों लोकन में नंबर वन बाबा दान, तीनों लोकन में नंबर वन बाबा दान, तीनों लोकन में नंबर वन बाबा दान वान, तीनों लोकल में नंबर वन। स्वागत बाटे महासंग्राम में, जोना के नाम बाटे सुर संग्राम, दीवाना बना दे। रणभेरी बात चुकल बाटे, शंखनाद हो चुकल बा, हम ओजिंगे पहुंच जाता नहीं, जहां पिछले दिन पिछले एपिसोड में आपके छोड़ ले रहनी। 24 महायोद्धा में से 12 योद्धा के आप लोग जलवा देख ली जा, 3 लोग छटा भी गए, उन लोग वापस भी आ सकेला अगर आज के दिन उनका से कमजोर पार्टिसिपेंट हमरे जज लोगन के मिले। तो ये आशा पर हमनी के ओह विश्वास ओह कुर्सी के हकदार लोगन के बुला लेवे के, स्वागत कर लेवे के। और सबसे पहले स्वागत करी जिनके सुर में बा जादू, आवाज में बा मस्ती, रौरे नाम हवे मालनी अवस्थी। हमरो प्रणाम स्वीकार करें और संगे संगे आप लोग स्वागत करी ओ जज के, जेकर भोजपुरी संगीत में एगो बहुत बढ़न बाटे स्थान, जे हमनी के भोजपुरी गीतन के बाड़ी जान, भोजपुरियन के सपना हमर कल्पना। आज तो लगातार रउआ सबके सेटिंग हो गई बा, का बात के? हाँ, ये जज जज के सेटिंग जो हरियर हरियर और ये सब, ये एक एक्सीडेंट था, कल भी था, कभी हम लोगों का फिरोजी रंग का सेटिंग सही है। ये एक्सीडेंट हमने संग काहे नहीं हुए, आपसे में काहे होगा एक्सीडेंट। अच्छा चलिए, कम से कम आपके गले की हार आपको के डिफरेंट। वाह वाह क्या नजर बा कल्पना। हमें तो अब संदेह है कि इनकर ध्यान कोनो कार्यक्रम आयक्रम नहीं, नजर इधर ही है, काहे मनोज? गजेंद्र भैया से प्रार्थना करब कि हमरा कैसन चश्मा दो जा, जोना से हम जज के न देख सकें।
अब देखब तो हम पगलाइबे करब, पगलाइब तो वैसे ही बोलबे करब। तीन लोग छटा गए लेकिन आवे के आशा बाकी बा। अब फिर से शुरुआत बाटे 12 बाकी लोगन के महायुद्ध। केकर कंठ करी कमाल, के बनी अपने मिट्टी के लाल, ये निश्चित करे खातिर हम बुला रहल बानी बिहार फौजी रेजिमेंट के पहला महायोद्धा रीमा वर्मा रांची से। डोरंडा कुम्हार टोली रांची झारखंड से आप हैं रीमा वर्मा। रीमा लगे सुर के तान, सुनी सारा जहां। सुर संग्राम जीते के कैले है ऐलान। हम के नहीं ढीली देवरा तू
रीमा आप अगर प्लीज इधर आइए, मैं गले लगाना चाहती हूँ आपको। बहुत बढ़िया, पूरा दर्द रख के गाया आपने, दर्द वो दे के गाते, गाने वाले बहुत हैं, लेकिन आपने जो दर्द, जो वो जो बेचैनी है पति से बिछड़ने की, बहुत बढ़िया, आपको ऊपर वाला बहुत आगे ले जाए। बहुत मालनी जी का कहब, गजब रीमा, गजब गाया, बहुत बढ़िया, बहुत तासीर के संग, बहुत हुक के संग। और सबसे बड़ी बात ये हमके अबे पता चलल कि आपके 6 माह के एक लड़का बा, और लड़का के ले के कैसे आप ही गीत संगीत के संग्राम में उतर गईनी, ऐसन सबसे मजबूत योद्धा बन के उतर गए ना। सिर्फ उनके लिए बल्कि सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे कार्यक्रम के लिए ई बा कि आपके संगे संगे आपके पति और आपके देवर यहाँ मौजूद बा, आपके लड़का बक्के वो देख रेख करके तब आप गारक रही हैं जी। बहुत बड़ी सलामी आपके परिवार के लिए, और हम ही चाहे कि आप आपके देवर जौन है वो भी आपके साथ स्टेज पे मुखातिब हो। ये तो क्या बात है, तोहर गाना सुन के तोहर बचवा इतना बढ़िया से सुतल बैठी। सलाम है तुमको, सलाम है तुम्हारे पति को, तुम्हारे सभी ससुराल वालों को, और मैं चाहते हैं जो भी कार्यक्रम देख रहे हो उनके लिए तुम ऐसी मिसाल बनो कि गृहस्थी और गायकी दोनों को एक संतुलन के संग इस तरह से झंडा गाड़ के आगे ले जाया जा सकता है। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और निश्चित रूप से चलो अपनी जगह पे बैठ जाओ। बिहार के बाद अब यूपी के बाटे बारी, कुछ कहे के स्थिति में नहीं खे मनोज तिवारी, सिर्फ जोरदार ताली बजा के स्वागत करें यूपी के बनारस के गजेंद्र पांडे के। बाबा विश्वनाथ के नगरी वाराणसी यूपी से आप हैं गजेंद्र कुमार पांडे। आप कहता नहीं उत्तर प्रदेश ना कबो हारल बा ना कबो हारी, केहू हरा न सके यूपी से सुर के दावेदारी। सजावत रहे एक बरस एक दिनवा बितावत रहे, जहिया गौना के दिनवा धराइल सके, ओही दिनवा से हर दी लगावत रहे। आई जाए के लहले टिकसवा पिया, गिरल बिजुरी करे जा में फाटल हिया, तबड़ के भिन सहरे उठ के हर नहा धो के हो, लोर भर के मनौती मानत रहे। रलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, 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 रलिया बैरन। Yeah।
हाँ रेलिया बैरन ब्याह भइल बाटे जी नहीं अभी नहीं जी नहीं चलो बात चाह तड़ के हो जाए अभी नहीं भी बहुत काम करेगी अच्छा काम करेगी वाह बिना शादी में काम करेगी कल्पना जी के पास चला तनी जा गजेंद्र खातिर अच्छा लगा बढ़िया लगा बस शुरू के जो एडलिप गाया आपने थोड़ा सा मुझे इसमें ऐसा लगा कि थोड़ा ठहराव कम लगा जैसे बहुत जल्दी जल्दी बोल के आपने खत्म कर दिया आपकी आवाज में एक स्वाभाविक ओज है जो लोकगीत के लिए बहुत बहुत अच्छा है थोड़ा सा और तैयारी के संग इसको गाते क्योंकि बहुत सुने हुए गानों के संग कहीं कहीं ये दिक्कत होती है कि हम वही श्रेष्ठता का पैमाना बना देते हैं अच्छा था बहुत अच्छा नहीं और अब बिहार रेजिमेंट के दूसरा फौजी के हम बुला रहल बानी जोरदार ताली से स्वागत करी जा छपरा के विक्की बबुआ के राम पंचखंडा थाना मशरक जिला छपरा से आप हैं हिमांशु सम्राट उर्फ विक्की बबुआ हरे कहवा पैबो जीती हैं सुर के जंग बाड़े करत ऐलान यूपी वाले जीत न पाई हैं देखी हिंदुस्तान बजरंग बली की की बन लगाओ के बिगड़ल बबुनी हरे ऐली हमरा गाँव पाऊ के पायल ऐसन छनकवली की गह गह करे मोरा गाँव हरे कुसुम फूल असगम कहता दहिया देखिए भैया क्या नाम रहता उनकर हरे कुसुम रहे उनकर नाम चार दिन में तो हल्का मचवली पागल कके भगली गाँव हल्फा मचा दिले बड़ी भैया कैसे कैले बड़ी बताओ था ही आपके त दर्द दिल के बढ़ा के गहिल हो दर्द दिल के बढ़ा के गहिल आइल हितई में ऊ चार दिन खते बाकी हल्फा मचा के गयो आइल हितई में ऊ चार दिन खते बाकी हल्फा मचा के गयो आइल हितई में ऊ चार दिन खते बाकी हल्फा मचा के गयो देखे में भोला बाकी बड़की खिलाड़ी ए भैया गांव के सुखरिया के रही उसाली देखे में भोला बाकी बड़की खिलाड़ी हो रोग आई सन धरा के गहिल हो रोग आई सन धरा के गहिल आइल हितई में चार दिन खाते बाकी हल्का विक्की बबुआ बिहार में छपरा बबुआ जी का हाल बा बहुत बढ़िया बा जो लास्ट लास्ट जो सुर है जी गीत लाइन खत्म होने का जो आखिरी सुर है उसको जैसे आपने सही तरह से सस्टेन नहीं किया उस सुर में जैसे वो आधा में ही खत्म फ्लैट होता गया जी। उसका मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा बाकी प्रेजेंटेशन वाइज बहुत बहुत बढ़िया थैंक यू एक बात ध्यान में हमेशा रखे के चाहिए कि प्रेजेंटेशन के चलते कहीं आपके गाना पे कोई असर ना पड़े जी जी लेकिन बाकी बहुत तासीर है जादू है और सबसे बड़ी बात पकड़ है ऑडियंस पे बहुत बड़ी बात धन्यवाद थैंक यू विक्की दौड़ के बैठ जाओ रीमा के बगल में वैसे तो सब दीवाना बना रहल बटे लेकिन अभी जौन एक बार फिर से सवाल के ले बटे बिहार ओकर जवाब देवे के पड़ी उत्तर प्रदेश के फौजियन के तो हम
बुला रहल बानी उत्तर प्रदेश के फौजी नंबर 2 गोरखपुर के शिवानी पांडे। गोरखपुर यूपी से आप हैं शिवानी पांडे। नहीं झुलने के यहाँ के आत्मा के आवाज कह रहल बा ऐसन सुर लगाई कि हिल जाई है बिहारी गवैया। यूपी में बातम ई कबो हार नहीं सके भैया। तुम यूपी का झंडा गाड़ के जाए यहाँ से। आंख जब से लड़ल प्यार के रोग भइल जब से लड़ल प्यार के रोग पे खुश रहो। मालिनी जी, सबसे अच्छी बात जोन आपके गीत में हमके दिखल वो रह दर्द पीड़ा जोन गीत के भाव रहा। कहीं कहीं पे लय भी आपकी गिरी और कहीं कहीं पे सुर भी गया, लेकिन गाने में जो मूड चाहिए जोन असर चाहिए वो आपके आवाज में है। बढ़िया। थैंक यू। मेरा जो मानना है इस गीत में एक्चुअली ना तो खुशी ना तो गम है, एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल सॉन्ग है जी। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ, आप हंस के गा रहे थे और हंस के गाना इसलिए था कि प्यार के रोग भेल और दुख भी था कि लोग जी जाला हो, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं वो पता आपको देख के वो तैली नहीं कर रहा था जो मालिनी जी ने बोली जी। बाकी आपकी आवाज बहुत पावरफुल है और टेम्पो भी गया। थैंक यू। थैंक यू। टेम्पो गया, आप थैंक यू बोल रहे हैं। मुझे लगा थैंक यू मतलब समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए। आप बता देनी यह बात का दिन। थैंक यू। हाँ, इस बात के धन्यवाद। ओके, कुल मिला के मैं ठीक ठाक बोलूंगी जी। एक बात और हमके पता चलल कि आपके गुरु जी एक दाई आपसे कुछ कहलन और उकरे बाद आपकी जिंदगी में आप कोनो प्रण ठान के सुर संग्राम में उतर ली है, कौन बात हम सब लोगों के बताई? गुस्सा गई नहीं वहाँ के गुरु जी कहने की तू कुछ ना कपे बू। तब हमरे मन में मतलब सिंगर बनने की तो ख्वाहिश बा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो इसलिए गुरु का स्थान सबसे बड़ा है, तो मैं गुरु जी का कभी अपमान नहीं करूंगी और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे करके दिखाना चाहिए गुरु जी को। और ऐसे ही ठन ले रही है, बहुत अच्छा हो ठीक ना। आई जाए कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ तनिजा, सुर के मिजाज लहर गइल बा और लड़ाई के झंडा फहर गिल बाटे। अगला महायोद्धा बिहार रेजिमेंट से लखीसराय बिहार के आलोक कुमार। राम महसोनी कजरा जिला लखीसराय बिहार से आप हैं आलोक कुमार। आपके ई बायलार सुर संग्राम के अखाड़ा में जीत हुई शानदार। यूपी नहीं जीते पाई जीती हमार बिहार। यूपी नहीं जीते पाई जीती हमार बिहार। पियर ओढ़नी के रंग पियर ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा लागे के जैसे खेतवा में
के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, फूल बन गइल बा खुशबू से भरल दहिया। ओ मारे हवा के झोंका लहरे लखुलल के सिया, खुद फूल बन गइल बा खुशबू से भरल दहिया। जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। का यार गजब गाना गौरव भाई, कल्पना जी बहुत 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 बढ़िया। और कुछ दो तीन जगह तो आपने ऐसा लिया कि मतलब हम कायल हो गए आपके। आपके पिताजी भी गायक हैं मैंने ये सुना, हाँ, और गायक आपके दादाजी भी गायक हैं, दादाजी भी गायक। और आपको मतलब आपके खून में वो संगीत दौड़ रहा है। हाँ, मेरे वो बच्चे सिखाते थे वो। बहुत बढ़िया, और कुछ भी बोलना ही नहीं है, परफेक्ट। वाह। गीत में माटी के महक और आवाज में बात जादू, गीत में माटी के महक और आवाज में जादू, तू तो अपन प्रदेश के शान बढ़ा दे ला बाबू। बैठो रहल बिहार के सवाल और बिहार के फौजी के जवाब देवे खातिन, स्वागत करी जा हमनी के उत्तर प्रदेश के चाबाज फौजी, मिसाइल कह सकेली जा गाजीपुर के नंदन और चंदन के। आप लोग दो लोग हैं? एक ही लोग है हम लोग। एक ही लोग हैं? एक ही लोग कैसे हैं? जुड़वा बनी जाते एक के रह जी ना। नहीं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब आप लोग क्या दोनों साथ गाने आए हैं? दोनों साथ गाएंगे? हाँ, वही तो साथ गा रहे हो। आपके का लगता थे कि दो को नहीं, हम एक ही एक ही लोग का तुम लोग का? नहीं, बिल्कुल दो अलग अलग लोग लग रहे हैं, इसलिए तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जुड़वा भाई कैसे। जुड़वा भाई हवे, जुड़वा भाई हो चाहे तीन भाई हो एक साथ, लेकिन गाने का तो प्रतियोगिता में एक ही बार एक ही गाएगा, मौका मिलेगा, एक कोई अवसर मिलेगा। नहीं नहीं, इस जोड़ी बा मनोज जी, मुझे लगता है कि हमको और कल्पना दोनों का ये विचार है कि ऐसा कोई निर्णय हम लोग नहीं ले सकते जो कि बाकी पार्टिसिपेंट्स के संग भी ज्यादती हो, उनका भी दिल दुखेगा और जाती हो जाएगी। ये हमनी के दिल ना दुखता है। ठीक, आप लोग ठीक है, आप दोनों में कोई एक गाइए, मेरे हिसाब से एक को आना चाहिए, दोनों का सवाल ही नहीं है। देखा जाए आपसे क्वेश्चन पूछलते हैं, हमनी के बलिया में भी क्वेश्चन उठोनी जाए कि हमनी के संगी गावल जाए, अगर हमनी के संगी ना गावल जाए छात्र तो हमनी के कहे कि यहाँ से लिया उल गए हमनी की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए था, यह तो नियम ही बदल गया पूरी तरह से। और ये देखिए मनोज जी, हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे तो हम लोग पे भी उंगली उठ सकती है हमारी। अच्छा। राय में कल्पना और लोगों को भी हम लोग सुनते हैं, आप इस मामले में तो हमें लगता अभी जी आप हमके थोड़ा समय दी, हम तब तक अगला प्रतियोगी के बुलाओ तनी, थोड़ा सा आप लोग एकरा पर विचार करें जा, हम भी बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से, कहे की तो बहुत जाती बाटे बच्चन के साथ। चलो तू बैठा जाओ, बैठा तू। बहुत दिल से कष्ट भगवान से कष्ट मिल जाए, संगे पैदा भई नहीं जा और संगे ना गा सके नहीं जा, काहे जो निर्णय हुई तो मन ही के ना पड़ी, क्या करें।
देखिए हमरे खातिर 2400 लड़का हमार बच्चा के तरह बाड़ा सर। ये बच्चन के चांस मिले के चाहिए, नहीं मिली तो फिर हमू सोचब कि हम शो करब कि नहीं। देखिए एकरा में ना खैर हमें स्थिति के कल्पना नहीं केले रही, कोई बात नहीं, हम उत्तर प्रदेश के अगला महायोद्धा के बुला रहल बानी। हमरे उत्तर प्रदेश में प्रयाग संगम इलाहाबाद के धर्मेश दीक्षित के आप जोरदार ताली से स्वागत करी। टेलियरगंज इलाहाबाद से आप हैं धर्मशंकर दीक्षित उर्फ धर्मेश दीक्षित। संगम के तीरे इनके मन में बा अटल इरादा, भरल बाटे विश्वास, यूपी के ईशान बढ़िए देखी धरती आकाश। पूरा प्रयास बाकी कि हमारी यूपी एकदम झंडा गाड़ी। खेत खरी है नवा में सागर सिवा नवा में। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, बहुत फ्रेश लगा मुझे, बहुत ही आवाज में बहुत ही दम है, एक सिंप्लिसिटी है आपके सिंगिंग स्टाइल में, बहुत ही इनोसेंस के साथ आपने गाया और क्या बोलूं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आपकी गायकी में एक सच्चाई है, सादगी है, जो लोकगीत के सबसे बड़ की ताकत है। बहुत बढ़िया, इलाहाबाद के संगम के और त्रिवेणी के और गंगा माई के नाम ऊपर ले जाए, मेहनत और करी। एक बहुत तकलीफ में हम बानी, एकरा में कोनो दूर आए नहीं कि नंदन चंदन के गावे से रोक के ना थोड़ा सा अच्छा निखे भइल, फिर भी आप लोग सम्मानित जज बानी जा, हम फिर से आपसे प्रार्थना करब कि आप लोग सोची जा कि ऐसा नहीं होके के चाहिए। और मनोज जी एक बात हम बता दें, हम लोग किसी भी कलाकार के हम लोग खिलाफ नहीं हैं और ये गाने का शो है, गायकों का सम्मान तो हम सबसे पहले करेंगे।